गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पेपर 6 के यूनिट 3 का, रोल ऑफ मास मीडिया इन एड्रेसिंग जेंडर इश्यूज, सेमेस्टर 4 में पेपर 6 और यूनिट 3। तो सबसे पहले है रोल ऑफ मास मीडिया, संचार माध्यम की भूमिका। किसी भी समाज में संचार माध्यम सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। संचार माध्यम का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो कुछ भी हम देखते हैं या पढ़ते हैं, टेलीविज़न फिल्मों में जो कुछ भी दिखाया जाता है और जो कुछ भी हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। इनमें संचार माध्यमों में समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, टेलीविज़न और फिल्म आते हैं। और संचार माध्यम स्त्रियों की दशा को दिखाने में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही भूमिका निभा सकता है। अगर हम स्त्रियों का खराब रूप दिखा रहे हैं तो वो नकारात्मक भूमिका दिखा रहे हैं, और उसकी अच्छी भूमिका दिखा रहे हैं इसका मतलब सकारात्मक भूमिका है। तो दोनों ही भूमिका, नकारात्मक और सकारात्मक, दोनों ही तरह के भूमिका दिखा सकते हैं और उसका समाज पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है जिस तरह की भूमिका में हम उसे दिखाते हैं। तो मीडिया शिक्षा और समाजीकरण का महत्वपूर्ण साधन है। मीडिया कैन प्ले पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल्स इन द प्रेजेंटेशन ऑफ विमेन्स कंडीशन एंड इमेज। द मीडिया इज अ पावरफुल टूल ऑफ एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ मीडिया ऑन विमेन, मीडिया का स्त्रियों पर प्रभाव, संचार माध्यम का स्त्रियों पर प्रभाव, उन पर संचार माध्यमों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब जो हम संचार माध्यमों के द्वारा दिखाते हैं उसका स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले है इफेक्ट वुमेन इन सिनेमा, फिल्मों में स्त्रियों की भूमिका, फिल्मों में हम किस तरह से उनको दिखाते हैं। यहाँ पे सॉरी मैं भूल गई हूँ यहाँ हेडिंग डालना, इफेक्ट वुमेन इन सिनेमा और फिल्म्स, फिल्मों में स्त्रियों की भूमिका। तो संचार माध्यम समाज का नैतिक और समाज द्वारा मान्य ढांचा प्रस्तुत करता है। ये एक तरफ तो सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होता है, जो हमारे समाज के मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनसे प्रभावित होता है, और दूसरी तरफ स्थापित सामाजिक मूल्यों को चुनौती भी देता है। जहां एक तरफ ये दिखाया जाता है कि स्त्रियाँ अपने मूल्यों का पालन कर रही हैं और उसके हिसाब से उनका रोल दिखाया जाता है, वहीं पर वो कहीं कहीं पर सामाजिक मूल्यों को चुनौती भी देती भी नज़र आती हैं। जैसे एक घरेलू स्त्री को दिखाया जाता है कि घर में रह रही है, बच्चों को संभाल रही है, घर की देखभाल कर रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट में उसको बोल्ड लेडी के तौर पर या बाहर काम करने वाली स्त्री के तौर पर भी दिखाया जाता है, जो कि सामाजिक मूल्यों को चुनौती देने वाला रोल होता है। तो ये दो तरफा प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज और संचार माध्यम दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक तरफ तो संचार माध्यम समाज से प्रभावित होता है, दूसरी तरफ संचार माध्यम समाज को प्रभावित भी करता है। तो दर्शक जो भी स्क्रीन पर देखते हैं इससे प्रभावित होते हैं, और फिल्मों में स्त्रियों की परंपरागत भूमिका ही ज़्यादातर दिखाई जाती है, बहुत कम उसे आत्मनिर्भर दिखाया जाता है। परंपरागत भूमिका से मतलब है घर संभालने वाली, बच्चों की देखभाल करने वाली और खाना पीना बनाने वाली, और घर के दूसरे सदस्यों की जिम्मेदारी निभाने वाली, दूसरों के लिए त्याग करने वाली, जैसे सहनशील, नम्र दिखाई जाती है। उसे कोई फल भी नहीं मिलता है अपनी इस नम्रता और सहनशीलता का, बल्कि वो और ज़्यादा दुखी नज़र आती है। लेकिन आजकल स्त्रियों को आत्मनिर्भर, साहसी और संघर्ष करने वाली स्त्री के तौर पर भी दिखाया जा रहा है, जैसे कि पीकू। अभी हाल फिलहाल में ही आपने बहुत, आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखी होगी पीकू फिल्म, तो उसमें उसका रोल बहुत बोल्ड दिखाया गया है। तो समाज में फिल्में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं समाज में स्त्रियों की भूमिका निर्धारण में। आधुनिक फिल्में आदर्श नारी की बजाय उन्हें ज़्यादातर सुंदरता का प्रतीक
के रूप में दिखाती है। यानी उनको ये दिखाया जाता है कि एक सुंदर सी स्त्री है, पतली दुबली गोरी, कभी भी किसी हीरोइन को खराब या मोटी भद्दी नहीं दिखाया जाता है। लेकिन सुंदर होने के बावजूद भी उन्हें पुरुषों पर निर्भर ही दिखाया जाता है। तो ये साबित करता है कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा हीन हैं। कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिसमें स्त्रियों के अधिकारों और कर्तव्यों वाली भूमिकाओं को दिखाया जाता है, यानी जिसमें वो अपने अधिकार के लिए लड़ती हुई और अपने कर्तव्यों का पालन करती हुई दिखती हैं। लेकिन इस तरह की फिल्में बहुत कम हैं। ज़्यादातर फिल्मों में उनके परंपरागत रोल को ही दिखाया जाता है। ऑल कल्चरल मीडिया प्रेजेंट द मॉरल एंड अप्रूव्ड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल वैल्यूज ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर इट ऑल्सो वर्क्स टू चैलेंज द एस्टैब्लिश सोशल वैल्यूज। दस इट इज़ अ टू वे प्रोसेस बाय विच बोथ सोसाइटी and media are affected. So society is also affected by the media, and on the other hand media is also affected by the society. The viewers are influenced what they see on the screen. In films, women are being presented in stereotype roles, in their traditional roles, in which they are presented as ideal, pure, tolerant and selfless as a goddess. In films, she is seldom given a reward for this sacrifice. There are few films in which women are shown as an independent personality. Mostly they are stereotyped as wife, mother and sister in their conventional roles. So generally they are playing the roles of a wife, a mother or a sister in films. In the 21st century, women are being shown financially self-dependent, struggler and so on, which has made them a role model for the new generation like Piku and Lajja. Generally in most films, much attention is paid to an actress' physical beauty, shape and dependent women. This only confirms the common assumption that women are inferior to men. Some filmmakers have changed this trend. But such films are few in which reality is shown and which talk about women's rights and duties. So there are only few films which are showing women's bold character or self-dependent ladies as a self-dependent ladies. Generally, they are shown in their traditional roles. Ab next aate hain portrayal of women on television. Television par महिलाओं का प्रदर्शन, टेलीविज़न में हम उनको किस तरह से दिखाते हैं महिलाओं का टेलीविज़न पर चित्रण, दूरदर्शन पर उनका चित्रण। मोस्ट ऑफ द डेली सीरियल टेलीकास्ट ऑन टेलीविज़न आर वेमेन बेस्ड। जितने भी रोज़मर्रा के जो सीरियल हैं, बहुत सारे सीरियल चल रहे हैं आजकल, और अभी रामायण महाभारत चल रहा है, और उससे पहले सास भी कभी बहू थी था, अभी भी बहुत सारे सीरियल्स हैं। आजकल मैं सीरियल नहीं देख रही हूँ इसलिए बता नहीं सकती हूँ। तो उनमें महिलाओं, ये सीरियल ज़्यादातर महिलाओं के जीवन पर आधारित होते हैं और फिल्मों के अगेंस्ट में, फिल्मों के उल्टा होते हैं। इसमें वुमेन को एक सुंदरता का प्रतीक के रूप में नहीं दिखाकर उनको उनके महत्वपूर्ण भूमिकाओं के रूप में दिखाया जाता है। यानी जहां फिल्मों में एक तरफ सुंदरता पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो सीरियल्स में उनके महत्वपूर्ण रोल, घरेलू रोल, घरेलू भूमिकाओं में उनको दिखाया जाता है। जो उनके महत्वपूर्ण भूमिकाएँ होती हैं उसके रूप में उनको दिखाया जाता है। ये बिल्कुल फिल्मों के उल्टा है। तो As against film, women are not depicted as beauty objects on television. Rather, they are assigned important roles. The following characteristics can be observed in their roles. तो उनकी भूमिकाओं में हमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं दिखाई देती हैं सीरियल में। जो उनकी भूमिकाएं हैं उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो कि इस तरह से हैं। तो उसमें सबसे पहला है, most women characters, whether married or single, are homely. ज़्यादातर महिला चरित्र जो सीरियल में दिखाए जाते हैं, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, वो ज़्यादातर घरेलू होती हैं।
वर्किंग वुमेन वर्क ओनली बिकॉज ऑफ सम ट्रबल एंड शोन अनहैप्पी विद द वर्क। और काम करने वाली महिलाएं जो काम करती हैं वो किसी ना किसी मजबूरी के तौर पर काम करती हैं, या तो उनको आर्थिक समस्या होती है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है इसलिए उन्हें बाहर काम करने जाना पड़ता है, या कोई भी समस्या हो सकती है, तब वो अपनी खुशी से अपनी मर्जी से काम नहीं करती हैं और इसीलिए वो हमेशा नाखुश नज़र आती हैं अपने काम से, मजबूरी में काम कर रही हैं, उनका शोषण हो रहा है, इस तरह की भूमिकाओं में ही उनको दिखाया जाता है। फिर वुमेन आर प्रेजेंटेड इन एन आइडियल फॉर्म व्हेन दे आर शोन इन रिलेशन टू मेन, दे आर डिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिव। जहाँ मेन पुरुषों के साथ उनके संबंधों को दिखाया जाता है तो उनको एक आदर्श नारी के रूप में दिखाया जाता है और वो उनके ऊपर निर्भर होती हैं और उनके साथ सहयोग करने वाली महिला के रूप में उनको दिखाया जाता है, उनको एक स्वतंत्र महिला के रूप में उनके चरित्र को नहीं दिखाया जाता है। मोस्ट सीरियल वुमेन एज डिपेंडेंट ऑन मेन इन विच गुड वाइव्स डू नॉट रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इल ट्रीटमेंट। तो ज़्यादातर सीरियल में जो महिलाओं को दिखाया जाता है वो पुरुषों पर निर्भर होती हैं और जो अच्छी वाइफ्स हैं वो कभी भी ख़राब व्यवहार के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती, यानी उनके साथ कितना भी अत्याचार हो रहा हो, कितना भी बुराइयां हो रही हो, लेकिन वो उसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती है। अगर वो आवाज़ उठाती है या लड़ती झगड़ती है या उसके अगेंस्ट में कुछ बोलती है तो उसे एक आदर्श नारी ना समझकर एक खराब नारी के तौर पर समझा जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।